हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ये इंडो वेस्टर्न मेकअप लुक। आप देख सकते हो ये आई मेकअप कितना हार्ड लग रहा है ना, बट ये उतना है नहीं। अगर आप देखना चाहते कि मैंने इस आई मेकअप को कैसे क्रिएट किया, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। एंड गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले, अब हम लोग जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये बायोडर्मा का टोनर, एंड इसे मैं अपने हाथों पर थोड़ा सा ले रही हूँ। इसके बाद मैं इसे अपने हाथों की हेल्प से ही अपने चेहरे पर प्रेस करते हुए अप्लाई करूंगी, ताकि ये मेरे स्किन के अंदर तक जा सके। एंड इसे मैं कुछ इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मी पीच मिल्क मॉइस्चराइजर, इसे मैं अपने हाथों पर थोड़ा सा लूंगी। एंड इसके बाद इसे अच्छे से अपने हाथों पर रब करूँगी, ताकि अच्छे से एक्टिवेट हो जाए, एंड इसे मैं अपने चेहरे पर अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फेस प्राइमर मैट मैट। ये जो प्राइमर है ना, ये आपको मैट फिनिश प्रोवाइड करता है, एंड ये इसे अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं वो भी लॉक हो जाते हैं। इसे अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन बहुत स्मूथ फील होती है, एंड फाउंडेशन भी बहुत अच्छे से अप्लाई होता है आपकी स्किन पे। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये माई ग्लैम का HD पोर्स फाउंडेशन, एंड ये एक स्टिक फाउंडेशन है। इसका जो फॉर्मूला है वो क्रीमी है, एंड मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसे अप्लाई करने के बाद मुझे नहीं ऐसा लगता कि मैंने फाउंडेशन या कुछ भी अप्लाई कर रखा है, बहुत लाइट वेट फाउंडेशन है। इसे मैं अप्लाई करने के बाद अपने इस ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का HD कंसीलर, एंड इसे मैं अपने अंडर आइज़ पर थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। एंड अपने आईलेट्स पर भी अप्लाई करूँगी एज अ आई शेडो बेस, ताकि जब भी हम लोग कोई आई शेडो इस पर अप्लाई करें तो एकदम अब उभर के आए। इसके बाद मैं इसे अपना थोड़ा चिन पे भी अप्लाई कर रही हूँ, ताकि ये हमारा थोड़ा सा हाईलाइटिंग का भी काम कर दे। इसके बाद मैं इस ब्रश की हेल्प से इस कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। इसके बाद गाइज, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर इन दी शेड वॉर्म न्यूड। आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैं इस कॉम्पैक्ट की हेल्प से अपने पूरे बेस को अच्छे से सेट कर रही हूँ, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ माई ग्लैम राइज एंड शाइन फेस किट। इसमें आपको हाईलाइटर मिल जाएगा, कॉन्टोर मिल जाएगा, ब्लश मिल जाएगा, ट्रांसलूसेंट पाउडर मिल जाएगा। तो इसमें से मैं इस कॉन्टोर शेड को अपने चेहरे पर अप्लाई कर रही हूँ, एंड यू कैन सी मैंने अपने हॉलो ऑफ द चीक्स अप्लाई किया, अपने नोज पर भी अप्लाई कर रही हूँ, एंड अपने फॉरहेड पे भी मैंने अप्लाई किया था। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये ब्लश शेड, एंड इसे मैं अपने चीक्स पर अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रही हूँ। जब अगर आपका जो फेस है वो चबी है तो आपको हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही ब्लश अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्पूली। स्पूली की हेल्प से मैं अपने आईब्रोज को कोम कर रही हूँ। मैं कोई भी आईब्रो प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो मैं बस एक स्पूली की हेल्प से ही अपने आईब्रोज को कोम कर लेती हूँ, एंड दैट्स इट। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सिस ब्यूटी का अल्टीमेट आई शेडो पैलेट, एंड इसमें आपको सारे वॉर्म अंडरटोन के शेड्स मिल जाएंगे, जैसे ऑरेंज, ब्राउन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस ब्राउन शेड को मैं ठीक अपने क्रीज पर एक विंग ड्रॉ करते हुए अप्लाई कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस उसे अप्लाई करना है और ब्लेंड कर देना है, एंड इसके बाद मैंने कोई और शेड नहीं यूज़ किया है। इसके बाद मैं इस कंसीलर की हेल्प से एक विंग, या फिर आप बोल सकते हैं फुल कट क्रीज ड्रॉ किया है, एंड कट क्रीज ड्रॉ करने में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आती है, तो आप कोशिश करोगे ना तो वो हो जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से विंग बनाते हुए कट क्रीज ड्रॉ करना है, एंड इसके बाद कंसीलर अप्लाई कर लेना है पूरे लिड पर अच्छे से। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्टे क्वर्की का ब्लू कलर का आईलाइनर, एंड इससे मैं एक बहुत ही शार्प सा विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मस्कैरा, एंड इसे मैं अपने लैशेस पे अच्छे से कोट करके अप्लाई करूँगी। गाइज, ये जो मस्कैरा ना, ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है, आपके लैशेस को क्लम्पी बना देता है। फर्स्ट टू यूज़ में मुझे नहीं लगा था ये इतना ज़्यादा क्लम्पी करेगा, बट अब यहाँ पर आकर ये थोड़ा ज़्यादा आईलैशेस को क्लम्पी कर देता है। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये लूज़ ग्लिटर एज अ हाईलाइटर। आप भी इस ट्रिक को अपना सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी लूज़ ग्लिटर है तो आप उसे एज अ हाईलाइटर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ माई ऑल टाइम फेवरेट लिपस्टिक शेड, एंड इसे मैं अपने लिप्स पर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, एंड दैट्स इट, हमारा लुक हो गया है कम्प्लीट। एंड गाइज, मैं कैसी लगी हूँ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक मी एंड माई कॉन्टेंट देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड गाइज, अगर आप मुझे कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हैं देन कमेंट बिलो। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।